तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में आपके लिए दो दो खुशखबरियां हैं। एक तो पबजी अनबैन के ऊपर, दूसरा कि हम अपने एंड्रॉयड एंड आईओएस में पबजी का अपडेट कैसे डाउनलोड करें। पबजी मोबाइल ऑफिशियल ने ट्विटर पर एक पोस्ट डाली थी कि इंडिया में जो आप पबजी मोबाइल आएगा उसमें टेंसेंट की कोई भी हिस्सेदारी नहीं होगी। तो सीधी सीधी बात बताएं कि पबजी मोबाइल अब इंडिया के लिए एक न्यू वर्जन बनाएगी जो सिर्फ इंडिया में ही काम करेगा। जैसे पबजी मोबाइल का कोरियन वर्जन और चाइनीज़ वर्जन है जो कि आपको आपके फ़ोन में 1 से 2 हफ्ते में मिल जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए पबजी मोबाइल ऑफिशियल की वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप जाके उस पर चेकआउट कर सकते हैं। तो अब बताता हूँ कि आप पबजी मोबाइल न्यू वर्जन को अपने एंड्रॉयड एंड आईओएस में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो पहले बात कर लेता हूँ एंड्रॉयड के ऊपर कैसे आपको डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, आपको अपने पबजी को अनइंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल करने से कोई दिक्कत नहीं होगी, सिंपली आपको पबजी इंस्टॉल करना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको गेम लिंक के नाम से एक लिंक मिलेगा, आपको सिंपली उस पर टच करना और डाउनलोड बटन को दबा के आपको सिंपली पबजी का एपीके डाउनलोड करना है जो कि 50 से 60 MB का होगा। तो इसे डाउनलोड होने देता हूँ। तो हमारी APK फाइल डाउनलोड हो चुकी है, उसको सिंपली इंस्टॉल करना है। वो आपके डिवाइस के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना टाइम लेता है। जैसे आपका PUBG इंस्टॉल हो जाए वैसे आपको ओपन करना है और फिर आपको कुछ नहीं करना। अगर कोई परमिशन मांगे तो सिंपली उसको अलाउ कर देना है। और डाउनलोडिंग रिसोर्सेज देख सकते हैं, जैसा कि आप हमारे फ़ोन में PUBG की OBB फाइल डाउनलोड होने लगी। ये OBB फाइल 1.5 GB तक की होगी। तो जैसे अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई हमारा अकाउंट बैन हो जाएगा ये वो, तो भाई अकाउंट कुछ नहीं बैन होगा। हम लोग पबजी के OBB फाइल के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, हम सीधा उसको डाउनलोड कर रहे हैं पबजी के सर्वर से। फाइल डाउनलोड होने के बाद कुछ ऐसा पॉपअप आएगा, इसको आपको ओके करके अलाउ कर देना है। फिर 7 MB का अपडेट आएगा, आपको उसको अपडेट कर देना है। फिर जो पॉपअप आया आपको उसको ओके कर देना है। पबजी आपको होम पेज पर रीडायरेक्ट करेगा, फिर से आपको पबजी ओपन करना है। तो आप देखिए, यहाँ पे आप जिससे भी चाहें उससे आप अपने अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारा अकाउंट लॉगिन हो चुका है।